भ्रष्टाचार का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार छोड़ नहीं रही। अभी एक गवर्नमेंट ऑडिट हुआ है, यानी कि सरकारी ऑडिट, और उस सरकारी ऑडिट में बताया गया है कि 2700 करोड़ रुपए जो कुंभ मेले के आयोजन के लिए आवंटित किया गया था उसमें भारी अनियमितता बरती गई है, भारी गड़बड़ी की गई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, उस ऑडिट में यह पकड़ा गया है कि 32 ट्रैक्टर खरीदे गए, 32 ट्रैक्टर कुंभ के मेले के आयोजन में खरीदे गए, जो ट्रैक्टर कार के नंबर पर हैं, मोपेड के नंबर पर हैं, स्कूटर के नंबर पर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ के मेले के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, कम से कम धर्म को तो पक्ष दो, धर्म को तो छोड़ दो। कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करते हो आप लोग, और कभी प्रयागराज के कुंभ मेले के आयोजन के नाम पे भ्रष्टाचार करते हो। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपके सच को देख रही है।